अरे बच्चों नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सवाल खाके वतन के। तो सवाल नंबर पहला है इसका, उमन को शायर क्यों जरूरी करार देता है? तो इसका जवाब है, उमन सुकून के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, इसलिए शायर उमन को जरूरी करार देता है। तो सवाल नंबर दो है, वतन की किन चीजों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है? वतन की इन चीज़ों से शायर इजहार मोहब्बत करता है, मसलन वतन की मिट्टी, सुबहों शामों, शहरों के नामों, गांव और बरगदों की छाँव से। तो सवाल नंबर तीन है, शायर को कौन कौन से त्यौहार पसंद हैं जिनकी सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है? तो शायर को ईद और दिवाली के त्यौहार पसंद हैं, इनको हमेशा मनाने की दुआ करता है। तो सवाल नंबर चार है, सेक्रेसी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? तो इनकी अहमियत ये है कि सेक्रेसी के महल की अपनी शान बान है। ताजमहल दुनिया के अजूबों में शुमार होता है। इसके अलावा ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। अजंता गुफा मसूरी पेंटिंग की वजह से मशहूर है। तो सवाल नंबर पाँच है, फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? फितरत के इन मनाजिर से शायर मुतासिर है, हसीन वादियाँ, लहलहाते धान के खेत, आमों के बाग, इमारात, रस्म रिवाज।